ने कनाडा में भारत का नाम रोशन करने वाले फोटोग्राफी के बड़े स्तंभ श्रीपाल अवस्थी जी से बात की, जो कि भारत से कई वर्षों पहले जाकर मॉन्ट्रियल कनाडा में बस गए और वहां के बहुत प्रतिष्ठित फोटोग्राफर बन गए हैं। उनकी इच्छा है कि वह भारत आकर कई लोगों को फोटोग्राफी की कला से प्रशिक्षित करें, क्योंकि उन्होंने बताया कि चाहे उन्होंने कितना ही धन मान सम्मान कमा लिया हो, मगर उनकी आत्मा अभी भी भारत में बसती है और वह भारत के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। दिल्ली से डॉक्टर रामजी की रिपोर्ट, आज की आवाज़। हम अभी बात कर रहे हैं श्री पाल अवस्थी जी से, जो कि दुनिया के माने जाने फोटोग्राफर हैं और हिंदुस्तान से जाकर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर जिन्होंने एक बहुत बड़ा फोटो की लैब स्थापित की है। हम उनके बारे में जानते हैं कि उनका ये सफर कैसा रहा। सर, मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ से जाने के बाद मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी और 10 साल के बाद मैंने एक बहुत लैब एस्टेब्लिश की, जिसमें मेरे पास 25 आदमी कनेडियन काम करते थे और फिर मैं सारा परिवार वहां लेके गया। मेरी शुरुआत यहां पर श्रीनगर में सागर स्टूडियो से हुई थी और उसके बाद मैं एनसीईआरटी में एज ए लैब असिस्टेंट रहा और उसके बाद किस्मत ने मेरे को वहां पर ले जाकर भेजा। अभी आप कितने खुश हैं सर, आपको कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? मेरे को एक तो सीनियर अवार्ड दिया उन्होंने, अचीवमेंट अवार्ड, और जहां की वहां की सारी संस्थाओं ने मेरे को रिकॉग्नाइज किया कि मैंने देश के लिए कुछ किया हुआ। सर, आप भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं क्या? सर, भारत के लिए बहुत मन है हमारा, यहाँ पर हमारा रहना तो वहाँ पर है, सोल हमारी यहाँ पर है और उसके बाद हम ये चाहते हैं हमें यहाँ जब आए तो सारे फोटोग्राफर जो जिनको मैं कुछ दे सकूँ, तो कोई ऐसा स्थान हो जिसमें कि मैं उनको कुछ बता सकूँ। आप स्टिल फोटोग्राफी करते हैं, वीडियो फोटोग्राफी करते हैं या पिक्चर वाली फोटोग्राफी करते हैं, कौन सी आपकी सबसे बड़ी? मेरे पास इटालियन फोटोग्राफी थी, वेडिंग फोटोग्राफर में मैं बहुत अच्छा रहा, फिर उसके बाद पोर्ट्रेट फोटोग्राफी किया। जस्टिन ट्रूडो जो उनसे वहां के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, ही नोज माय नेम। मैं यहां पर ग्लोबल वार्मिंग में आया था 2008 में और उस वक्त मिस्टर शेरे थे चीफ मिनिस्टर और उनको प्रीमियर कहते हैं, उनके साथ यहां फोटोग्राफी कवर के लिए मैं आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।